हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब एडिटर चैनल। आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश के लिए जॉब रिक्रूटमेंट, जो कि रहने वाली है रतलाम में। मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जो रतलाम है, ये राजस्थान की बॉर्डर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है। सो गाइस, हम आ जाते हैं यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम की तरफ से ये जॉब रिक्रूटमेंट निकाली गई है। GMC के मध्य प्रदेश में अन्य जिलों में भी GMC कॉलेजेस बने गए हैं, जैसे GMC इंदौर, GMC भोपाल और अन्य क्षेत्र में भी बनाए गए हैं। सो गाइज, ये है GMC रतलाम की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट का प्रपोजल। यहाँ पर दिया गया है टेम्प्ररी एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर को टर्मिनेबल प्रोजेक्ट के साथ इस जॉब वैकेंसीज रहने वाली हैं। रिसर्च ऑफिसर, फील्ड इन्वेस्टिगेटर कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पोस्ट रहने वाली है। सो गाइज, ये है ऑफिशियल वेब पेज इसका, gmcratlam.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं वैकेंसी के पेज पर। यहाँ दिया गया है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली पोस्ट का डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, हम कर लेते हैं PDF यहाँ पर डाउनलोड। PDF यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, जब तक आप कर दीजिए एक लाइक बटन। एंड यहाँ पर हम आ गए हैं ऑफिस ऑफ डीन एंड CEO डॉक्टर LN पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम मध्य प्रदेश की तरफ से ये जॉब रिक्रूटमेंट का प्रपोजल है। सो गाइज, ये है एडवर्टाइजमेंट नोटिस। यहाँ पर 15 मार्च 2024 को एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। यहाँ पर कहा गया है कि 9 से 5 बजे तक की आपको यहाँ फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। एंड इसकी वॉक इन इंटरव्यू डेट होने वाली है 2 अप्रैल 2024। सो गाइस, यहाँ पर आपको 10 बजे पहुँच जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। एंड यहाँ पर आप GMC रतलाम के लिए, डॉक्टर LN पांडे GMC रतलाम इसका एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आपको पहुँचना है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ नील रहने वाली है। नो TADA विल बी पेएबल टू द कैंडिडेट्स। यहाँ पर आगे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं जॉब के रिगार्डिंगली, यहाँ पर बताया गया है, सारी डिटेल्स दी गई हैं। आपको PDF लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आगे दिया गया है रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट, जो कि फर्स्ट रहने वाली है। यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है, इसके 25,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर ग्रेजुएट इन साइंस, मास्टर इन सोशल वर्क मांगा गया है। एंड यहाँ एज लिमिट 40 दी गई है। मॉनिटरिंग विद डेटा कलेक्शन फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स ऑफ छतरपुर, शिवपुरी, सीहोर, रीवा, देवास डिस्ट्रिक्ट एंड रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जॉब डिस्क्रिप्शंस में। यहाँ पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है, जिसकी सैलरी 12,000 पर मंथ रहने वाली है, कि आगे बढ़ भी सकती है, कंसोलिडेट भी हो सकती है। यहाँ पर ग्रेजुएट इन साइंस मांगा गया है, डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है मेडिकल लैब का, या फिर 6 मंथ के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास टाइपिंग एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन एंड डेटा एंट्री फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स ऑफ छतरपुर, शिवपुरी, सीहोर, रीवा एंड देवास डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर 40 ईयर एज लिमिट दिया गया है। सो गाइस, ये है इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर लिंक दी गई है, इस पर आप क्लिक करके फॉर्मेट को फिल करके वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। 2 अप्रैल 2024 को ये पोस्ट निकाली गई है। आगे यहाँ पर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आपको फॉर्मेट मिलने वाला है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नील है। सो गाइस, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आगे यहाँ दिया गया है 5 ईयर टेंडरेबल एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाले हैं, 40 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहेगी। डॉक्टर LN पांडे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के डीन एंड CEO के थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट को दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, द पोस्ट इज प्योरली टेम्प्ररी एंड को टर्मिनेबल विद द प्रोजेक्ट। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव नो क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट अंडर ICMR और दिस इंस्टीट्यूशन। नो TADA विल बी पेड फॉर द अटेंडिंग इंटरव्यू, ये दिया गया है यहाँ पर। आगे यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको फिल करके देना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू वर्क इन ट्राइबल और रूरल एरियाज ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक और पोस्ट है, जिसके लिए रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट निकाली गई है। इसकी सैलरी रहने वाली है 25,000 प्लस HR 9%, दैट मीन्स 36,520 रुपीज़ रहने वाली है इसकी सैलरी। 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट दी गई है। ग्रेजुएट इन साइंस यहाँ पर मांगा गया है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आगे यहाँ दिया गया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू वर्क विद रूरल और ट्राइबल एरियाज ऑफ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दैट मीन्स आपको यहाँ पर गांव में भी काम करना पड़ सकता है।
सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो आपको बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर हम इसके फॉर्मेट पर आ गए हैं। जीएमसी रतलाम की तरफ से ये फॉर्मेट निकाला गया है जिसमें आपको यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट करना है, नेम ऑफ़ द पोस्ट लिखना है, नेम ऑफ़ द प्रोजेक्ट लिखना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जॉब निकाली गई है सो गाइस प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, एंड यहाँ पर अप्लाइड कैटेगरी लिखना है अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी। फोटोग्राफी पेस्ट करना है आपको यहाँ पर, एंड नेम लिखना है कैपिटल लेटर में, यहाँ पर फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस लिखना है, कास्ट लिखना है, नेशनैलिटी लिखना है, एंड आधार कार्ड का यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। यहाँ पर आगे दिया गया एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में करंट एंड परमानेंट एड्रेस मांगा गया है। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लिखना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी शुड बी एक्टिव सो द डिपार्टमेंट कैन रीच यू इजीली इफ़ यू आर सिलेक्टेड। देन आगे यहाँ पर दिया गया है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन दैट मीन्स हाई स्कूल दैट मीन्स टेंथ से आपको शुरू करते हुए टेंथ ट्वेल्थ यूजी पीजी डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है वो आपको फिल कर देना है। आपको यहाँ पर एटलीस्ट हायर क्वालिफिकेशन लिखनी चाहिए। आप जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं उसके लिए आपको सारी क्वालिफिकेशंस विथ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हमेशा मेंशन करना चाहिए, इससे सिलेक्शन कमिटीज आपको सिलेक्ट कर सकें। आगे यहाँ पर दिया है द एडिशनल क्वालिफिकेशंस एंड कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है, अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है कहीं या फिर आपका कहीं भी एक्सपीरियंस है तो जो आपका लास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस है वहाँ से आप लिखते हुए आपके ओल्डर वर्क एक्सपीरियंस तक की डिटेल देना है। डेट ऑफ पोस्टिंग एंड डेट ऑफ लीविंग ये सारी चीज़ें लिखना है यहाँ पर। अगर आपको अवार्ड्स या स्कॉलरशिप्स मिले हुए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपका कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा एक्सपीरियंस का डिटेल देना है, एंड आगे यहाँ पर दिया है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, पीजी किया हुआ है या फिर आपने डिप्लोमा या डिग्री कुछ लिया है तो वो भी लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन देकर आपको यहाँ डेट पोस्ट लिखना है, एंड यहाँ पर प्लेस लिखना है। सो गाइस ये था यहाँ पर जीएमसी रतलाम की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट। अदर डिपार्टमेंट में भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सो गाइस कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।